चलिए जी शुरू करते हैं। पायल बनाने जा रही है केक। आज कढ़ाई में केक बनाएंगे हम। पायल को सिखाते हैं कढ़ाई में कैसे। ये रही पायल, कढ़ाई में कैसे केक बनाते हैं। इसका केक खाने का मन था तो हमने कहा चलो तुम ही बनाना सीखो कैसे बनाते हैं। तो ये कढ़ाई हमने रख दी है प्री हीट होने के लिए। जैसे अवन को भी प्री हीट करते हैं, तो हमारे पास अवन भी है, लेकिन मैंने कहा नहीं आज कढ़ाई में सीखो, अवन में किसी दिन बनाएंगे फिर। तो हम केक का बैटर तैयार कर लेते हैं तब तक, जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है। ये आधा कप लिया है पिसी हुई चीनी। इसी कप से ले लेंगे हम घी, तेल, जो भी आपको लेना हो। हम घी ले रहे हैं, आप तेल भी ले सकते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल होता है, सनफ्लावर और कोई भी कुकिंग ऑयल हो वो आप ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। तो हमने तो देसी घी लिया है। तो ये पायल ने इसमें डाल दिया है बाउल में दोनों चीज़, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेगी। क्योंकि इसका मन था खाने का तो मैंने कहा तुम ही बनाओ भाई, अगर मन है तो सीखो, चीज़ों को सीखना भी तो पड़ता है। तो ये पायल इसको अच्छे से बीट कर रही है। इसको अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है, क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इसका। और तब तक पायल इसको फेंट रही है, तो मैं तब तक ये केक टिन है इसको ग्रीस कर लेती हूँ। इसमें मैं देसी घी लगा के इसे चारों तरफ इसमें फैला दूँगी, या ये कह लीजिए कि इसमें चारों तरफ मैं देसी घी लगा दूँगी ब्रूस की मदद से। आप कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। और बटर पेपर ना हो तब क्या करें उसके लिए भी मैं आगे इसमें आपको बताऊंगी कि जब बटर पेपर नहीं होता तो क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बटर पेपर इस समय नहीं है। तो पायल देखो इसको फेंट ही रही है अभी, ये काफ़ी अच्छा क्रीमी सा हो गया है। तो अब हम जो हमारे सूखी चीज़ें हैं उन्हें ले लेते हैं। एक कप हमने मैदा लिया है ये, और ये 1/3 कप लिया है कोको पाउडर। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच ये बड़े वाली जो है बेकिंग पाउडर है, और ये छोटे वाली है बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है। इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए हम छान लेंगे। नीचे बर्तन रख रखा है और सब चीज़ छलनी में डाल के आप अच्छे से छान ले। छानने से एक तो क्लियर हो जाता है कि कुछ है नहीं उसमें, और ऊपर से ये है कि ये मिक्स अच्छे हो जाते हैं जब हम इन्हें सब चीज़ें एक साथ डाल के छान लेते हैं, तो अच्छा मिक्स होते हैं ये। देखो कुछ नहीं निकला, बिल्कुल क्लियर है। अब इन्हें और अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारा घी और चीनी वाला मिश्रण है इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए, पहले थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखो कितनी आसानी से मिक्स हो रहा है। ऐसे थोड़ा सा और डाल दिया और फिर दोबारा से मिक्स कर लिया। अब मैंने सारा डाल दिया इसमें और पायल मिक्स कर रही है। सारा एक साथ ना डाल लें, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। ये 1 कप दूध लिया, इसी में थोड़ा सा डाल दिया वनीला एसेंस, फ्लेवर आ जाता है इससे थोड़ा वनीला का, तो ये वनीला एसेंस है। इसमें ये 1 कप पूरा दूध डालना है, मैं अच्छे से मिक्स करना है, और ये काम पायल से हो नहीं रहा था तो इसलिए मैंने मिक्स किया। ये 1 कप पूरा दूध डाल दिया इसमें, और बहुत अच्छे से फेंटना है। एक क्रीम सी तैयार कर लेनी है हमें। ये जो मैंने जिस बर्तन में घी लगाया था उसमें 2 चम्मच मैदा डाल के इसे ऐसे कोट कर लें। घी लगाया तो उसके ऊपर मैदा अच्छे से चिपक जाएगी, एक्स्ट्रा मैदा है जो वो निकाल दें अलग। तो ये बटर पेपर का काम करेंगे, इससे आपका केक टिन में चिपकेगा नहीं। तो जो आपने बैटर बनाया है वो पूरा बैटर इस टिन में डाल लें। जो जैसा भी आपका केक टिन है, नहीं तो आप स्टील का या सिल्वर का कोई बर्तन भी ले सकते हैं, किसी भी शेप का, बस वो आपकी कढ़ाई या कुकर के अंदर आ जाना चाहिए। इसे ऐसे टैप टैप कर लें और आधा खाली रखें, क्योंकि केक जब फूलेगा तो ऊपर तक ही भर जाएगा। अभी देखो जो हमने कढ़ाई गरम करी थी वो देखो धुआं उठ रहे हैं, पूरी गरम हो चुकी है। तो इसमें हम अब अपना ये जो
हमने केक तैयार किया है, बैटर सावधानी से इसमें रख दें। जो नीचे स्टैंड लगा है ये वो वाला स्टैंड है जो कुकर के साथ आया था, आप इस तरह का स्टैंड भी आपके पास हो तार वाला तो भी रख सकते हैं, नहीं तो कटोरी मुंदी मार दें उसके ऊपर आप केक टिन रख दें। ये जो इसमें होल है इसे भी मैं टिश्यू पेपर से बंद कर दूंगी ताकि स्टीम इसमें अंदर ही रहे और केक अच्छे से कुक हो जाए। ये 35 मिनट के लिए हमें रखना है। तो अब 25 मिनट हुए थे तो मैंने एक बार इसे ऊपर से चेक किया तो ये अच्छा फूल गया, लेकिन अभी 10 मिनट और पकाना है। अब 10 मिनट हो गए थे, उसके बाद अब टोटल 35 मिनट हो गए हैं। तो अभी मैं इसको चेक करती हूँ केक बना है नहीं। देखो, चेक करने का ये तरीका होता है कि आप कोई चाकू या कोई स्टिक इसमें डाल के देखें और वो बिल्कुल साफ वापस निकल आए तो आपका केक एकदम रेडी है। तो ये अब पूरी तरह बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप बहुत गर्म है, थोड़ा आराम से निकालें और निकाल के हम इसे ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म है इस समय तो ये। और तब तक हम ये डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट थी उसको मैं डबल बॉयलर में रख के, मतलब नीचे पानी गर्म हो रहा है और ऊपर कांच की एक कटोरी रख के उसमें मैं चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ। आयल ने कहा नहीं चॉकलेट भी लगानी है केक के ऊपर, मैं चलो लगाते हैं। तो ये मेल्ट हो गई है, ये मैंने यही साइड में रख लिए। अब देखो केक को ना चक्कू से छुटाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसने खुद ही साइडें छोड़ दिए हैं। अब ऐसे निकालोगे तो टूट जाएगी, तो इस तरह की एक प्लेट लें, इसके ऊपर उल्टा इसको रख लें और ऐसे पलट दें इसको और टैप टैप करके देखो कितना सुंदर केक निकल के आया है, कहीं से जला नहीं है, कच्चा नहीं है, एकदम ओके ओके। अब पायल को लग रही है खाने की फटाफट, देखो कितना स्पंजी सा है, सॉफ्ट एकदम। चलो मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। ये अभी बहुत गर्म है, इसमें से भाप उठ रही है, लेकिन पायल कह रही है नहीं मुझे अभी काट के दिखाओ। देखो कितना सॉफ्ट है ये, देखो ये टूट भी गया, इतना गर्म था मेरे हाथ जल रहे थे। अब इसके ऊपर अभी चॉकलेट लगा देते हैं क्योंकि गर्म है तो ये अच्छे से पकड़ लेगा, चॉकलेट थोड़ी इसमें अंदर तक चली जाएगी। तो हमने इस पे सारे पे चॉकलेट कोट कर दिए, पहल कह रही है यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, अच्छे से लगाओ, बस उसको जल्दी से खाना है इसको। यही मेरे साइड में ही खड़ी है, देख के लग रहा है ना अच्छा सा लुक। लीजिए अब पायल जा रही है भगवान जी को खिलाने के लिए, मैंने कहा कटोरी में दे दो, कह रही नहीं मैं सारा ही दे देती हूँ भगवान जी को, तो वो सारा ही लेके चली गई उनके पास। तो ये उनके सामने रख के प्रार्थना कर रही है कि प्रभु खा लो। देखो ये भगवान जी को खिला रही है, जो इसका ये टुकड़ा टूटा था वो किचन में ही पड़ा है क्योंकि वो हाथ से छूट गया था, तो फिर मैंने उधर ही रख दिया सारा। भगवान जी ने खा लिया है, पायल रानी खा रही है, देखो अपने लिए कट कर लिया है इसने ये। अभी आपको और देखो अभी गर्म है, लेकिन ये कह रही नहीं मुझे अभी खाना है, ठंडा भी नहीं होने दिया इसने इसको। अभी रिएक्शन देखना आप इसके, हाँ हाँ अच्छा लग रहा है इसको, देखो मेरे को जीभ चिढ़ा रही है कि खा लो। पसंद आया पायल को केक, तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद। तो जी केक तो आपने देख ही लिया पायल ने कैसा बनाया है, और बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है कि मैंने केक बनाया और इतना अच्छा बना है। और ये जो डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट आती है उसको मेल्ट करके लगाना, वो टेस्टी बनाना है, मैं चलो ठीक है जैसे तुम्हें करना है करो, और आधा तो खुद ही खा गई है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे ने मेहनत करी है तो
सफल हुई है तो इस खुशी में मीठा तो बनता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करना बेटी के लिए। ओके, बाय बाय।